Assalamu alaikum, students. Today, we are coming towards the conclusion of our sessions on QuickBooks. And from now onwards, what we are going to do is look for jobs and projects on our freelance market where we can work for dollars per hour. And as a beginner, you must understand that since you have no experience of working in a freelance marketing at the moment you might have a long experience of working on QuickBooks as well as accounting and finance but you are basically trying to sell yourself on a market where at the moment you have no experience so you have to start off as a beginner aapko, apne aapko, as a beginner sell karna hai. Hai hum QuickBooks QuickBooks क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं नंबर वन नंबर टू आपके लिए इस प्रोजेक्ट पे हम क्या करेंगे और कितनी देर में हम आपको ये प्रोजेक्ट करके देंगे किस प्राइस पे? लेकिन बीइंग अ बिगनर आपने अपनी प्राइस लोएस्ट रखने की कोशिश करनी आप बहुत एक्सपीरियंस हो, आपको बहुत अच्छा क्विक बुक्स आता भी हो लेकिन जब तक आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं हो जाता तब तक आपको कोई बहुत बड़ा काम ऐसे ही नहीं दे देगा लेकिन यू शुड बी रेडी टू सेल यू सर। आइए आज हम देखते हैं कि फ्रीलांस मार्केट में किस किस्म की जॉब अवेलेबल और उनको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए फ़िलहाल कि हम बिगनर हैं और जो दूसरे लोग वहाँ कमिटमेंट कर रहे हैं और रेट मांग रहे हैं हमें उनसे नीचे रहना चाहिए ताकि हमें कम से कम कोई जॉब मिले तो एक दफ़ा हम जॉब करेंगे हमें एक्सपीरियंस भी होगा समझ में भी आएगा कि बाहर के लोग किस तरह से काम देते हैं क्या एक्सपेक्ट करते हैं टाइम किस तरीक़े से हमने अपना सेट करना है क्योंकि याद रहे कि बहुत सारे काम जो बाहर से मिलते हैं उसमें सबसे बड़ा जो हमें दुशारी पेश आती है वो है एक तो टाइमिंग की जब हमारी शाम शुरू हो रही होती है तो उनका दिन शुरू हो रहा होता है और दूसरी जो हमें दुशारी पेश आती है वो है कम्युनिकेशन की उनके बोलने का अंदाज़ उनकी बात समझना सबसे आसान तो ये है कि आप सारा का सारा अगर आप अंग्रेज़ी आपको अच्छी आती है कोशिश करें कि ज़्यादातर रिटर्न पे काम करें ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकें ये सारी चीज़ें देखते हैं आए हम कंप्यूटर पर चलते हैं इंटरनेट के ऊपर और देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में किस किस्म की जॉब अवेलेबल है और हमें उन्हें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए सो लेट्स गो ओवर टू द इंटरनेट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो पहली साइट हमने खोली है उसका नाम है फ्री और हमने जो क्वेरी लगाई है उसका नाम है क्विक बुक्स हमने देखा कि क्विक बुक्स के उससे तवसुस् से हमारे पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं तो जवाब में हमारे पास कोई अट्ठारह रिजल्ट आए हैं और बल्कि अब वो चौबीस हो गए और आप देखते जाएंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं इसमें जो एक बॉल पार्क फिगर होगी रेट की वो आपको नज़र आ रही होगी लेकिन हमने अभी डायरेक्टली रेट के ऊपर नहीं जाना हमने ये जाना है कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए हम अपने आप को फिट समझते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा ऐसा है जिसको फ़िलहाल हम क्वालिफाई नहीं करते यहाँ अगर आप देखें तो बास ऐसे जॉब नज़र आ रहे हैं जिसके नीचे लिखा हुआ है क्वालिफाइड इसका क्या मतलब है वो भी हम देख लेते हैं जब हम इस तरह का कोई जॉब चूज़ करते हैं तो वो कहता है कि आपकी क्वालिफिकेशन बेसिक जो होनी चाहिए वो है यूएस इंग्लिश लेवल वन इसकी आप सर्टिफिकेशन लेंगे तो मेरे साथ आप काम कर सकते हैं नहीं तो नहीं जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि यहाँ जाने से पहले आपने अपनी कम्युनिकेशन पर ज़ोर देनी है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो हमारे कस्टमर के साथ अच्छी हो लेकिन यहाँ ये यह कहता है कि हमें सिर्फ ये नहीं कि आपने कहा है कि मेरी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप सर्टिफिकेट लें और फिर मेरे साथ काम करें तो यहाँ इस तरह के बहुत सारे काम होंगे जिसमें के कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी कंपलसरी होगी और अगर आपकी अच्छी है तो आप ज़रूर ये टेस्ट दें सर्टिफिकेट लें क्वालिफ़ाई करें और ऐसे जॉब्स के लिए भी अप्लाई करें क्योंकि इनमें कोई ख़राबी नहीं है अंग्रेज़ी हमारी बुरी नहीं होती और रिटन इंग्लिश में तो हमें कोई भी मसला नहीं होता अच्छा अब आए देखते हैं कि यहाँ किस टाइप के जॉब्स हैं एक और है जॉब हमारे पास कंपनी अकाउंटेंट बुक कीपिंग का और एक बड़ा अच्छा जॉब हमें जो नज़र आ रहा है वो है क्विक बुक्स सेटअप अगर आप इसकी इंग्लिश पढ़ें तो ये कहता है आर कंपनी नीड्स टू क्लीन अप द तो पास्ट अकाउंटिंग एंट्रीज एंड सेटअप अ न्यू सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन क्विक ये वो काम है जो आप इस पूरी सीरीज़ में करते ही चले आए आप ये काम कर सकते हैं आइए देखते हैं इसकी डिटेल क्या है ये एक कंपनी है जिसको ये करना है कि अपना पुराना डेटा उठा के जिस किस्म का भी है यहाँ शिफ्ट करना चाह रही है और कंपनी सेटअप करके अकाउंटिंग दोबारा से स्टार्ट करना चाह रही है पुरानी इसकी अकाउंटिंग में बहुत सारे मसले आ सकें अगर हम इस प्रोजेक्ट में बिट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इसके लिए क्या क्या करना है सबसे पहले तो आप वो लिस्ट डाउन कर लें तमाम चीज़ें जो आप करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एक तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट सेट करेंगे दूसरा आप तमाम जितने भी बैलेंसेस हैं अपने वेंडर्स के जितने भी बैलेंसेस हैं अपने कस्टमर्स के जो आपकी इन्वेंट्री है वो सारी की सारी उठा के यहाँ इम्पोर्ट करेंगे ताकि चल सके लेकिन ये सिर्फ ज़बानी नहीं है जो जो स्टेप्स आपने करने आपने पहले अपने पास लिस्ट डाउन कर लेने कि हमने एक पुरानी कंपनी का डेटा उठाना है यहाँ लेके आना है किस शक्ल में लेके आना है वो सारी चीज़ें जब तक आप इसे बताएंगे नहीं वो सेटिस्फाई नहीं होगा जब हम बिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो एक अमाउंट कह रहा है और वो कह रहा है कि इतने दिनों में मुझे ये सारा काम चाहिए ये सारा काम हो जाए तो बहुत बेहतर है ये किस तरीके से पूरी बेड हमने बनानी है किस तरह से करनी है इसके लिए क्योंकि आपने फ्री का एक मैंडेटरी कोर्स किया हुआ है और अगर आपको अब दोबारा से उसे याद करना है तो जल्दी से उसके थ्रू गुजरें ताकि हमें पता चल सके कि ये सारी चीज़ें हमने फ़िल कैसे करनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आपने फ़िल करनी है आफ्टर योर बेड अमाउंट इज़ योर प्रपोज़ल ये याद रखें कि प्रपोजल में वो जान होनी चाहिए कि आप सेल कर सकें अपने आप को टू योर यस्पेक्टिव क्लाइंट इसमें आपने उसे उस तरीके से बताना है कि उसको समझ में भी आ जाए नंबर एक और नंबर दो सबसे अहम उसे ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपको क्विक बुक्स आती है एंड यू कैन डिलीवर तो यहाँ आप बैठ के सोच के समझ के आप एक अपना प्रपोज़ल ड्राफ्ट करें जो कि कंसाइज हो टू द पॉइंट हो और तमाम एस्पेक्ट कवर कर रहा हो जब आप इसके साथ बिगिनर्स अमाउंट की बिट करेंगे यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दैट बिट और ये आपका पहला कदम होगा फ्रीलांस मार्केट में इसी तरह हमारे पास और भी फ्रीलांसर के अलावा मुख्तलिफ साइट्स हैं जो कि हमें बिडिंग करने देती है और फ्री करने देती हैं उनमें से एक है अपवक अपवक में भी हमारे पास बेतहाशा मुसलसल इस तरह के जॉब निकलते रहते हैं और आपको अपडेट अपने आप को करना पड़ेगा इस वक्त जब भी आप इधर अपने आप को ज्वाइन करेंगे तो वो आपको कोई सिक्सटी क्रेडिट्स ये कनेक्ट्स देगा और जितनी आप बिड करते जाएंगे हर बिट के ऊपर दो कनेक्ट्स आपके कम होते जाएंगे यहाँ तक कि आप एक महीने में कोई तीस बिट्स कर सकते हैं लेकिन अगले महीने ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाएंगे और आपके पास फिर से साठ कनेक्ट्स आ जाएंगे लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले आपको एक जॉब मिल जाएगी जिसके बाद आपके पास काफ़ी अर्सा उसी जॉब पे चलते रहेंगे आप याद रहे कि हमारे पास सिर्फ दो या तीन दिन की जॉब्स भी आ सकते हैं लॉन्ग टर्म जॉब्स भी आ सकते हैं लेकिन तमाम के लिए यू हैव हाँ टू बिल्ड योर रिज्यूमे आपने अपना पोर्टफोलियो रिज्यूम में बिल्ड करना है जिस तरह हमने फ्री लांसर पर किया था उसी तरह हमने यहाँ भी क्विक बुक्स को सर्च किया और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन आ गए इसमें से हमने एक सेलेक्ट किया है जिसमें इन्हें फुल टाइम एक चार्ट अकाउंटेंट चाहिए जो कि क्विक बुक्स के साथ काम कर सके गो हम शायद ये ना हो लेकिन सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने ये चूज़ किया है और इसके लिए हमने सबमिट प्रपोज़ल का भी बटन क्लिक कर दिया जब हम सबमिट प्रपोजल का बटन क्लिक करेंगे तो वंस अगेन वो हमसे आर्ली रेट पूछेगा लेकिन यू बीइंग अ बींगर यू शुड स्टार्ट विद द पेयर मिनिमम आप याद रखें कि हमने ऐसा रेट देना है कि हमें पहली दफ़ा काम मिल जाए जब हमें काम मिल जाएगा और सेटिस्फैक्ट्रीली हम डिलीवर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कस्टमरी क्लाइंट है वो हमको रेट करेगा और हमारी रेटिंग जो है वो बेहतर से बेहतर होती ही चली जाएगी और जब हमें ये पता है कि हमें काम कैसे करना है डिलीवर कैसे करना है और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा देन वी कैन एम हायर वंस अगेन इसमें भी आपने अपना कवर लेटर लगाना है जिसमें आपने अपनी वही डिटेल कि किस तरह से मैं काम करूंगा, और अगर अटैचमेंट्स आपके पास हैं मिसाल के तौर पे अगर आपके पास क्विक बुक्स का सर्टिफिकेट है जो आपने इस कोर्स को करके दिया है उसकी कॉपी लगा दें आपने एकेडमिक रिकॉर्ड लगा दें जिससे पता चले कि वाकई आपके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स फाइनेंस भी मौजूद है क्विक बुक की भी सर्टिफिकेशन मौजूद है एंड यू नो एग्जैक्टली वॉट नीड्स टू बी डन जब आप ये सारी चीज़ें देंगे तो आपके कस्टमर में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि ये आपको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें और आपको शॉर्ट लिस्ट जरूर करें हो सकता है कि इसके बाद भी वो कोई सवाल कर ले। लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन दिस फ्रीलैंसिंग बिजनेस अब आपने देख लिया है कि फ़्री मार्केट में क्विक बुक्स की अकाउंटिंग की कितनी ज़्यादा खपत है लेकिन हमें जब इस नई फील्ड में पहली दफ़ा कदम रखना है तो हमने इसके लिए पूरी तैयारी करनी है क्विक बुक्स पे पूरा अबूर हासिल करना है अकाउंटिंग की जितनी नुहा हम ले सकते हैं हम लेंगे और अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करके अपने क्लाइंट को अपनी तरफ रागब करना है जब आपके पास एक से ज़्यादा क्लाइंट्स आ गए और उन्होंने आपके काम को रेट कर दिया तो फिर आप कहीं भी किसी वक्त भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के लिए बिड कर सकते हैं और फिर आप वो कीमत मांग सकते हैं जो आप चाहते हैं लेकिन फिल वक्त जब हम स्टार्ट कर रहे हैं वी आर आर्म्ड विथ नॉलेज ऑफ क्विक बुक्स एंड आर सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट वी कैन डिलीवर ये दोनों चीज़ें आप लेकर अगर अगर मार्केट में आते हैं तो फिर आप कामयाबी देखिएगा किस तरह से आपके साथ साथ चलेगी और उम्मीद है कि इस कोर्स ने आपको कॉन्फिडेंट कर दिया होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आप आसानी काम कर सकते हैं भले डेस्कटॉप का हो या ऑनलाइन का तो इन कंक्लूजन नाउ दैट वी आर रेडी टू जंप इनटू द फ्री लांसिंग मार्केट वी शुड हैव एवरी थिंग दैट वी विश टू डिस्प्ले टू आर कस्टमर क्लाइंट्स रेडी ये सारी चीज़ें तैयार रखें और अपने आप को सेल करने के लिए तैयार हो जाए देट्स इट थैंक यू सो मच